और उनको मिलके जाएंगे। तो इनका इसका केक तो कटना ही नहीं है, बर्थडे तो हम सोच रहे हैं कहीं प्लान कर रहे हैं सरप्राइज ट्रिप। एंड कल जो है सुबह कॉल मिलेगा सरप्राइज। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है बेबी फैमिली ब्लॉग। सो गाइस आज है 5 जून का दिन और कल है हमारी बिटिया कमल का बर्थडे, तो हमने उसे देना है सरप्राइज। तो अभी एक्चुअली क्या है ना, वो गई है दादी घर, तो हम सोच रहे हैं कि आज मंडे है, शॉप क्लोज आर देख सकते हैं, हम बिल्कुल ऐसे बैठे हैं। तो एक तो गुड न्यूज मैं आपको पहले तो ये दे दूं कि हम ट्रैवल व्लॉग करने वाले हैं कमिंग जो नेक्स्ट 2 व्लॉग्स रहेंगे, क्योंकि कमल का बर्थडे है तो हम सोच रहे हैं कहीं प्लान कर रहे हैं सरप्राइज ट्रिप। एंड सो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना हम कहाँ जा रहे हैं क्या है। सो पैकिंग आपको इस व्लॉग में देखने को मिल जाएगी, प्लस अभी हम जा रहे हैं कमल का बर्थडे का केक लेने के लिए, केक ऑर्डर करने जा रहे हैं, और जो कि वो हम घर पे नहीं काटेंगे, कहाँ काटेंगे वो भी आप आगे देखना। बताया नहीं वो कहाँ देंगे? वो हम काटेंगे सुबह मम्मा के घर पे, दादी मम्मा के घर उसकी, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना तो मम्मी का आशीर्वाद लेके मम्मी को मिलके ही निकलते हैं। तो जब हम सवेरे जाएंगे ना तो रात को हम केक कट नहीं करेंगे कवल का, तो हम जब सवेरे कवल को पता ही ना लगे, हाँ। मम्मी के घर रख के आएंगे, दादी मम्मा के घर। हाँ अभी हम केक लेके दादी घर रखाएंगे ताकि उसको पता ही ना लगे। हम कवल को वैसे कहेंगे सुबह चलो निकलते हैं, हम निकलते हैं दादी मम्मा को मिलके, तो जब वहाँ जाएंगे तो कवर एकदम देखी तब सरप्राइज होगी। बिल्कुल। सो गाइस एक तो सरप्राइज उसको मिलने वाला है केक कटिंग का सुबह, और कल मेन उसका जो बर्थडे है, और प्लस एक सरप्राइज ट्रिप आप सब लोगों के लिए। सो आप हमारे अपकमिंग व्लॉग्स बिल्कुल मिस मत करना। सो बने रहिए इस व्लॉग में, सब व्लॉग्स को पूरा देखना, सब्सक्राइब करना जिसने नहीं कर रखा, और शेयर करना। बिल्कुल। जो अपने बच्चों से करे प्यार वो व्लॉग देखने से कभी ना करे इनकार। बिल्कुल सही कहा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। जो है फाइनल कर लिया है, छोटा सा केक हम ले रहे हैं, पैक कर दो भैया। हाँ बट वो ना क्यूट सा छोटा सा, ठीक है सुबह कट कर लेंगे। सब हम दादी का रखाते हैं जाके केक, ठीक है चुपचाप हम दादी का घर में, और कल जो है सुबह कॉल मिलेगा सरप्राइज। बिल्कुल। इसका ना नाम लिखने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो हमने कवल ही लिखवा लिया, कह रहे बेस पे लिखा जाएगा, सही है ना? हाँ जी हाँ जी। चलो बढ़िया, अब हम चलते हैं मम्मी के। हो गया पैक, ये हमारा है। ओके कैंडल्स वगैरह रख दिया ना? ओके ओके थैंक यू भैया। ओके भैया बाय। कवल नु दसना नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं कार नहीं लेके जा रहा, इतने रख के जा रहे हैं। सवेरे से जब निकलेंगे तो मिलन आओगे, तो उनका तो केक दवाओगे, ठीक है। सरप्राइज है, सरप्राइज, ठीक है। फ्रिज रख लेना, फ्रिज में रख लेना, फ्रिज में केक रखवा दिया है, मम्मी को दे दिया है, फ्रिज में रख दिया। हम सुबह आएंगे चुपके से, आप कवल का रिएक्शन देखने वाले। हाँ, और हम यहाँ से निकलेंगे मम्मी को मिलके ही, हम हमेशा निकलते मिलके ही निकलेंगे। तो अब हम कहाँ नेक्स्ट, हमारा जो ट्रिप प्लान हो रहा है उसके बर्थडे वो कहाँ जा रहे हैं अगेन ना रिपीट, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, इस व्लॉग में नहीं। सो प्लीज हमारा व्लॉग एंड तक भी देखना। आए हुए हैं कवल के लिए ड्रेस देखने के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे है, तो मैंने उसको फटाफट दादी घर से पिक किया। मैंने बोला तो कम से कम ना जब हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो कम से कम तू अपने कपड़े ले ले कुछ, नहीं तो बर्थडे के लिए कम से कम न्यू ड्रेस तो होनी चाहिए। उसकी नानी ने उसको जो है स्पेशल बोला था कि उसको मेरी तरफ से ड्रेस दिलवा दियो। सो यस हम उसके लिए ड्रेस लेने आए हुए हैं। सो अभी ये ट्रायल रूम में गई है। ओके बेटा, ओके ओके। सो गाइस हमें ये 3 टॉप्स पसंद आई हैं कवल के लिए, चुनमुन कुछ भी समझ में नहीं आया था, तो हम फाइनली रानीबाग में V2 का शोरूम खुला नया, हमने वहीं पे जो है हमने परचेजिंग कर ली। इसके लिए फाइनली इसके लिए 3 टॉप ले लिए, क्योंकि इसका बर्थडे है तो मेरे को था कि इसको कुछ न्यू ड्रेस पहनाऊं कल मैं। सो यस फाइनली इसके लिए शॉपिंग हो गई कंप्लीट। बहुत बहुत टाइम लगा है, चुनमुन पे अलग लगा, यहाँ अलग लगा, आप हालत देख सकते हो हमारी। सो हम जा रहे हैं घर वापस। सो डिनर हम कर चुके हैं और बस मिलते फिर आपसे। स्टे ट्यून्ड। अलग से शूट कर रही हूँ, कवल को नहीं पता है कि उसके लिए हमने केक भी ले लिया है। सो वो है बिलिंग काउंटर में पापा के पास, उसको केक के बारे में हमने कुछ नहीं बताया। सो कल जब उसका हम रिएक्शन देखेंगे, जब सडनली उसको पता लगेगा कि हमने उसके लिए केक भी लिया है। सो यस बने रहेगा इस ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। कवल के लिए मुझे एकदम से पसंद आ गया,
तो ये भी हम ले रहे हैं। यस हैप्पी थैंक यू स्टेडी हां 100 रुपए दे के कह रहा हूं 100 रुपए दे के 100 रुपए दे के तो फ्री हो जाएगी ना एक बार 100 रुपए दे के अच्छी सी शॉपिंग करोगे ना हां 100 रुपए दे के एक बैठी ले लो और अगर 5 आने करते हो तो 600 रुपए दे के ऑफर अच्छी चली हुई है मैंने कहा है ना अच्छी है गाइस सारे इसी के गिनती के छोटे-छोटे चार पीस हैं दबे पैसे कराए अब हम जो है बाहर जा रहे हैं ठीक है ना एग्जिट कर रहे हैं भैया चेक कर रहे हैं चलो चले कमल थैंक यू भैया के पौने एक हैप्पी बर्थडे टू यू और मुंह में नीचे कर रखा है ये देखो ये गुरुद्वारे से आज प्रसाद मिला था मंच अच्छा खुद का ही मुंह मीठा हो रहा है सो गाइस आपको पता है जो हमने सुबह सुबह निकलना है रात के पौने एक हो गए मैंने इनको सुला दे क्योंकि उन्होंने ड्राइव भी करना है हमने जो है ना पैकिंग कर ली है हम कहाँ जा रहे हैं हो सकता है मैं इस ब्लॉग के एंड में आपको सुबह बता दूं जब हम दादी घर जाएंगे इसकी और उनको मिल के जाएंगे तो इनका इसका केक तो कटना ही नहीं है केक तो कटना ही नहीं है केक हम लाए ही नहीं है सॉरी बेटा सो कोई नहीं बाकी देखते हैं गेस करना हाँ। कमेंट में बता देना ठीक है ठीक है जी सो यस कवल का बर्थडे हम कहाँ जाके मनाने वाले हैं कैसे होने वाले हैं आप देखना और बाकी मिलते हैं कल सुबह आपको कम बैक सो गाइज आज सुबह चढ़ गई 6 बज गए आप देख सकते हो सुबह के सो हमारी पैकिंग भी हो गई है डन मैं आपको दिखाती हूँ पैकिंग हो गई है आज हो जी गुरलीन सो हम जा रहे हैं मम्मी के घर और हमने टारगेट भी रखा था कि हम 6 तक निकल जाएंगे और हो सकता है सरप्राइज खोल दें एक सरप्राइज अभी कवल को मिलने वाला जो कि नहीं पता सॉरी पता नहीं क्या मिलेगा सरप्राइज ये तो आप व्यूअर्स को पता है कि हम इसको क्या सरप्राइज देने वाले हैं ठीक है दादी बाकी इसके लिए सरप्राइज ट्रिप तो प्लान कर ही दिया देखो सरप्राइज ट्रिप तो प्लान कर लिया इतना बड़ा गिफ्ट उसको मिल गया बाकी और क्या गिफ्ट है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये सब हम तीनों को पता है इसको हमने बोल रखे है कि हम कहीं लेकर जा रहे हैं मुझे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं इसकी आंखों में पट्टी मांग ले बने रहेगा इस ब्लॉग में ये बाग बन गया है एक ये छोटा मैंने बना लिया है और एक मेरा जो है पर्स हो गया है सो यस इट्स डन और यहाँ पे से मैंने जो है अपने गुटके रख लिए हैं देखो अच्छा लगा तू नहीं गई थी ना लेने के लिए देखो कैसा लगा सो गाइस अब हम आ गए मम्मा के घर उसको ना हमने एक वहाँ पे चलते हैं कवल को देते हैं सरप्राइज उसको पता ही नहीं कि केक भी आया है अभी पूरी करते हैं इस बार तो दादी ने नहीं बताया कवल को गाइस किस किसने गुरलीन का ब्लॉग देखा था बर्थडे वाला उसको तो हमने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया था क्यों गुरलीन सही कहा ना इसको भी हमने बहुत अच्छा दे रहे सर लेकिन सुबह सुबह डेकोरेशन का टाइम नहीं होगा हम इसके लिए सरप्राइज ट्रिप प्लान कर रहे हैं उसको कोई बाहर लेके जा रहे हैं तो यही उसके लिए गिफ्ट है ना सो यस इसके लिए हम केक ओपन करते हैं दिखाती हूँ उसको मैं अच्छा चलो मम्मा को खिलाओ थैंक यू
मम्मा को ना शुरू से केक की क्रीम नहीं पसंद और इसने वही खिलाया। मगर रेसिपी का केक अच्छा होता है बड़ा। जल्दी खिलाओ। अभी अभी बहुत ने हम एक दूसरे के खिला दिए। हां। इसको ये पसंद आया कहती मम्मा। अच्छा कवल आपको अच्छा लगा सरप्राइज? अच्छा अब हम सबको बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएं सोच रही है ना, ताकि थोड़ा सा सरप्राइज रहे। क्यों भी रहेगा आपके लिए। जस्ट अभी बताया कि हम कहाँ इसको लेके जा रहे हैं तो वो और भी खुश होगी। हाँ लेकिन हमने आप सबको नहीं बताया, तो प्लीज अगर आपको चाहते हो कि सरप्राइज हम खोले तो नेक्स्ट व्लॉग को पता लग ही जाएगा थंबनेल से और टाइटल से। सो हमारा नेक्स्ट व्लॉग तो बिल्कुल भी देखना मिस मत करना। सो यस बने रहेगा इस व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। सॉरी गुरलीन, केक कैसा लगा? बहुत अच्छा, इसको पसंद आया है। चलो खाओ, वैसे टेस्ट किया है नोडल केक, मैं भी इतना पसंद नहीं करती। ऐसे भी ना हर एक केक बड़ा है ना, केक्स बहुत टेस्ट का ऐसी ना नॉर्मल फ्लेवर डाले मतलब टेस्टी था ना। हाँ गाइस आप देख सकते हो 6:30 बज गए हैं, अब हमें निकलना है। बस अब ये चाय पियेंगे फिर हम निकलेंगे। एक और गाड़ी मिल दो। सो गाइस हमने मिल लिया है, अब हम चल रहे हैं। बोले सोने हाल सत श्री अकाल। माया गुरुद्वारे मत्था ड्राइव कर रहे हैं। Keep right to stay on National Highway 48. So stay tuned. माता इतनी दूर से आ रहे हैं, सोचे कुछ नाश्ता करने का मन कर रहा है, कुछ मिल ही ना था। अब आए हैं तो एकदम से बर्गर किंग भी सामने है, ठीक है, हल्दीराम भी सामने है और इधर असली पप्पू ढाबा। ये आपको आई थिंक आपके फ्रेंड ने दिया था ना? हाँ असली पप्पू ढाबा है, तीनों साथ साथ है। बताओ कहाँ चल रहा है? मतलब टाइम कितना हो गया? हाँ गाइस पिछले 3 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं, जब से हम चलेंगे भाई हमें ब्रेकफास्ट करना है, कहीं रुके हैं कुछ। 3 घंटे से ढूंढ रहे हैं, अब तेरा मन कर रहा है थोड़ी देर पहले। खैर टाइम कितना हुआ अब? अभी तो बजे 9:30 हुआ है पूरे। अच्छा यार 9:30 लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है 12:00 बज गई हो। हाँ हम तो इसी गाड़ी में बैठे हैं तो पता नहीं लग रहा, बाहर तो बहुत तेज धूप है। हाँ तो अभी हम चलते हैं, फाइनल करो हल्दीराम ढाबे में चलते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा ना अलग करते हैं। वो पता नहीं कैसे, मेरा दोस्त ने बताया था जैसे हमारा वो बना हो ना, कैसे मुरथल पे। हाँ। सुखदेव सेम ऐसे ही हम। अच्छा। वही ना हल्दीराम और बर्गर किंग तुम खाते रहते हो। हाँ। चलो और वो तो ट्राई करो, दिल्ली में तो वो हम खाते रहते हैं, फेवरेट ही है। और बर्थडे कल क्या कहती है? ठीक है चलो ड्रेस तो दिखा दो, कल हमने ये भी तो आपकी ड्रेस ली थी, ठीक है, लेकिन बीटू से नहीं ली थी हमने, कहीं और से ली थी है ना। चलो भैया आप भी वॉशरूम चले जाओ, थक गए हो गए, आप भी थक गए ना? नहीं नहीं थके नहीं, एक्चुअली वो थंबनेल बना रही है जिस जो ये व्लॉग डलेगा उसका। इसी व्लॉग का। चलो बर्थडे कल चले। कितनी लग रही है? हाँ धूप हो रही है, लग ही नहीं रहा है कि सुबह 9:30 हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है दोपहर हो रही है जबकि सुबह का टाइम है। चलो असली पप्पू ढाबा दिखाते हैं गाइस आपको, बाहर से इसका व्यू अच्छा खासा बना हुआ है, ये भी मतलब कहने को ढाबा है बट बहुत लग्जीरियस बढ़िया बना हुआ है। रास्ते ना करना है व्लॉग का एंड, तो अभी हम करेंगे व्लॉग का एंड। तब तक आप कमेंट में बताओ कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब कौन कहाँ पे, क्योंकि हम अभी सरप्राइज अभी तक हमने रिवील नहीं किया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली में। गेस करो, नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स काफी एंटरटेनिंग होंगे, सो प्लीज देखना जरूर आप। हाँ जी कर दे जी व्लॉग का एंड। हाँ जी कर दिया हमने, ठीक है फिर व्लॉग का एंड कर रहे हैं। सो गाइस आप लोग कमेंट करो, गेस करते रहो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सो यस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अब हम अंदर जाके फूड इंजॉय करेंगे, अगर कुछ हुआ शूट करने के लिए तो आपको दिखा देंगे। सो बाय। गाइस मैं ना कवल को ये कह रही हूँ कि ये तो कवल खाएगी, ये बर्थडे कल खाएगी नहीं तो बर्थडे कल नहीं खाएगी, ये नहीं खाएगी बर्थडे कल, मना कर रही है। आप तीनों खाओगे? आप तीनों मुझे वो तेरे को देख के मुझे वो खाना खाना है, तुझे मिर्ची लगती है तो। सब कर दो व्लॉग का एंड कर दो, सबको बोल दो मुझे सब बर्थडे विश करो कमेंट करके, कमेंट करके बर्थडे विश कर दो गाइस। इतना धीरे बोलो कितना ऊंचा, ऐसे तो कोई बर्थडे विश नहीं करेगा। कर देंगे, कर भी चुका होगा उन्होंने बर्थडे विश। बिल्कुल बाय, कर दो बाय।